वीजा एक्सपर्ट्स। नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू वीज़ा एक्सपर्ट। दोस्तों, यूके अगर जाना चाहते तो वीज़ा रिस्पांस बहुत अच्छा आ रहा है। कनाडा जाना चाहते हो तो कनाडा का बहुत ही अच्छा रिस्पांस आ रहा है। डिटेल आपको बताऊंगा इस वीडियो के अंदर, मेरे साथ बने रहिए। यूके का दोस्तों दो से तीन तरह का प्रोसेस है। पहला प्रोसेस जो है यूके का, वो है अपना विजिटर वीज़े का। विजिटर वीज़े का प्रोसेस दोस्तों, विजिटर वीज़ा अगर आप लेते हो, कम से कम आपकी एज कैटेगरी जो है वो 22 से प्लस होनी चाहिए। 23, 24, 25, 26, 27 जितनी मर्जी हो वो चल जाएगी, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। बैंक स्टेटमेंट थोड़ी बहुत होनी चाहिए, आइडिया है तो ठीक है, तो फिल हो जाएगी, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है उसमें। तो हम यूके का शॉर्ट वीज़ा लगवा के देंगे। रीच पेमेंट का कोई एडवांस पैसा नहीं है। रीच पैसा जब आप एयरपोर्ट क्लियर कर जाओगे उसके बाद पैसे लिए जाएंगे। दूसरा ऑप्शन, अगर किसी के पास सीडीसी बनी हुई है, इंडियन सीडीसी, पनामा सीडीसी, पलाऊ सीडीसी बनी हुई है, तो यूके की रीच करवा के दे सकते हैं। विद इन 2 से 3 दिन के अंदर अंदर आपकी रीच हो जाएगी, और जब आप पेमेंट एयरपोर्ट क्लियर हो जाएगा उसके बाद पेमेंट ली जाएगी, ठीक है। दो तरह के ऑप्शन है देखिए दोस्तों, वो आपको मौके पे बता दिए जाएंगे कि विद पासपोर्ट के विदाउट पासपोर्ट, ठीक है। वो आपको मौके पे बताया जाएगा कि कैसे कैसे क्या करना है, ठीक है। तीसरा ऑप्शन, जिनके पास सीडीसी नहीं है दोस्तों, उनकी सीडीसी हम बनाएंगे कम से कम 10 से 15 दिनों के अंदर अंदर। 15 दिन के अंदर अंदर बंदा यूके में होगा, क्योंकि 5 से 7 दिन मुझे सीडीसी बनाने में लगेंगे, उसके बाद आप क्या जो प्रोसेस है वो शुरू हो जाएगा, ठीक है। टेंशन वाली, घबराने वाली कोई बात नहीं है इसमें। जो विजिटर वीज़े के ऊपर जाना चाहते हैं विजिटर वीज़े के ऊपर जाएं, जो सीडीसी के ऊपर जाना चाहते हैं वो सीडीसी के ऊपर जाए, क्योंकि सीडीसी ऊपर वो लोग जाते हैं जिनकी रिफ्यूज़ल्स होती हैं, जिनकी, ठीक है, 4-5 रिफ्यूज़ल हैं, वो आगे नहीं अप्लाई करना चाहते, तो वो सीडीसी के थ्रू जा सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात उसमें नहीं है। कनाडा का दोस्तों बहुत अच्छा प्रोसेस है। कनाडा का भी बहुत अच्छे वीज़ेज आ रहे हैं। कनाडा का कोई भी एज हो, ठीक है, वो चल जाएगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। बैंक स्टेटमेंट थोड़ी बहुत होनी चाहिए, ITR फिल हो जाएगी, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। आप कनाडा का अप्लाई करना चाहते हो तो कनाडा का अप्लाई कीजिए, तो वो बहुत अच्छा रिस्पांस आ रहा है दोस्तों। वीज़ा आ रहा है, कम से कम मान के चलिए एक महीने के अंदर अंदर आपका रिज़ल्ट शो हो जाएगा, ठीक है। जो सबमिशन है वो 2 से 3 दिन में आपकी सबमिशन हो जाएगी, आपके फिंगर हो जाएंगे, उसके बाद जो सारा प्रोसेस है वो एम्बेसी करेगी। मान के चलिए 45 दिन के अंदर अंदर आप फ्लाई हो जाओगे, कोई दिक्कत वाली उसमें बात नहीं है। कनाडा का बहुत ही अच्छा प्रोसेस है, यूके का बहुत ही अच्छा प्रोसेस है। कोई भी अगर जाना चाहता है तो ज़रूर एक बार कॉन्टैक्ट कीजिए वीज़ा एक्सपर्ट। बाकी वीडियो में डिस्क्रिप्शन पे नंबर दिए गए हैं, वहाँ पर आप कॉल कर सकते हो। वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।